ये धनतेरस का मेनली जो शॉपिंग होता है ना, जो 7-8 बजे के टाइम में सबसे ज़्यादा रश होता है, 9 बजे भी इतना रश है, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आप सब लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना है। ये देख रहे हैं पार्किंग जहाँ कहाँ 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 पार्किंग लगा हुआ है, कौन सा हेलमेट है, बट अपना कौन सा आज होने वाला है धनतेरस को, कौन सा हेलमेट लेने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं। वैसे उसका जो साइज़ है, साइज इश्यू हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं वो भी दिखाएंगे। तो आदित्य भाई आज बहुत सारा डिटेल देंगे, और ट्रस्ट मी ये जो वीडियो होगा ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है हेलमेट के रिगार्डिंग। आ गए हैं, अच्छा आप लोग आ गए हैं। अ कंप्लीट हब ऑफ राइडिंग गियर्स, बाइकर्स लोग के लिए अच्छा पॉइंट है, एग्जॉर सब सारा चीज़ मिलता है भैया, आके देख सकते हैं। तो आदित्य भाई यहाँ है, आइए। तो फाइनली बता दें कि HD लाइट की वजह से थोड़ा हेजी दिख रहा होगा, बट अभी जो है वो शॉप पर बहुत सारा हेलमेट हम लोग देख रहे हैं बहुत। सो बेसिकली स्टोरी जो था वो ये था कि ये वाला जो हेलमेट है इसका पैडिंग था M साइज, और ये जो बैटमैन वाला जो सीरीज था ना इसका पैडिंग था L साइज। तो एक्चुअली हम लोग को M साइज़ आ रहा था, बादल को भी M ही आ रहा था, हमको भी M ही आता है, और बुलेट के लिए ले रहे हैं तो यूज़ करेंगे दोनों लोग। तो नया हेलमेट है तो जब तक पैडिंग परफेक्ट नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आदित्य भाई क्या किए हैं कि मस्त आराम से इसका पैडिंग इसमें और इसका पैडिंग इसमें शिफ्ट किया है। तो हमको ये बताइएगा ना कि ये पैडिंग वाइडिंग चेंज करने से कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं आएगा सर, इसमें क्लिप बाय क्लिप फिटिंग करने के लिए दिया हुआ, देखिए। तो हम लोग को जब वॉश करना होगा तो मस्त पूरा ओपन करके आराम से वॉश कर सकते हैं ना, ये वॉश कर सकते हैं। चलिए तो आप लोग को अगर हेलमेट लेना है और आप आ सकते हैं यहाँ पे, अगर साइज इशू होता है तो ये जो फार्मूला था ना ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दिए हैं। अनबॉक्सिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रिवील हो गया है। और ये बेसिकली एक्सोर का द बैटमैन सीरीज़ है, लिमिटेड एडिशन। कब आया था ये? ये हो गया आपको 20 दिन हुआ है। वैसे इसका ऑनलाइन प्राइस क्या है? ऑनलाइन इसका 6500 6500 है, बट अगर हमारे वीडियोस के थ्रू आएंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक मस्त वाला सरप्राइज जो है वो आदित्य भाई दिए हैं। आदित्य भाई सरप्राइज ये दिए है कि एक तो चेन ल्यूब मिल गया है, मोटोमैक्स, इसका रिस्पांस बोले काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम लोग ट्राई करके देखने वाले हैं कैसा रिस्पांस है। और इसके साथ साथ एक स्मोक वाइजर आता है, ये एक्चुअली ब्लैक है, ये वाइट है और ये स्मोक है। तो अगर नाइट राइड करना है तो क्लियर वाइजर ज़्यादा बेस्ट रहता है नाइट राइड के लिए, अगर डे राइड करते हैं तो स्मोक वाइजर ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हम लोग जैसा राइड करेंगे उसके हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें याद है कि वो जो रोड के किनारे जो मेला लगता था बेली रोड पे, वो आगे है कि नहीं है वो हम लोग आज ब्लॉग में देखने वाले हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, फेस्टिवल चेंज हो गया है, बहुत कुछ तरीका बदल गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं बेली रोड के। इनकम टैक्स से लेके एक समय में हरताली मोड़ तक इतना ट्रैफिक हुआ करता था, और इतना ट्रैफिक कि पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा रश था। इस साइड में थोड़ा बहुत मौर्या लोग के अंदर में तो ये दिख रहा है, जहाँ स्टॉल लगा हुआ है, ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, एज यूजुअल पहले की तरह। वाह, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि पहले की तरह जो है वो धनतेरस का जो शॉपिंग है वो जोरों शोरों से हो रहा है। ठीक है, अच्छा आ गए हैं, अच्छा आप लोग आ गए हैं, चलिए ना लोग कोई बुला लिए हैं, अच्छा ठीक है, नहीं हमको लगा एम्बुलेंस नहीं सही, चलिए चलिए। सो बेसिकली उनके फैमिली आ गए हैं।